हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए घेवर की रेसिपी लेके आई हूं। लोगों का ऐसा सोचना है कि घेवर को बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी काफी लंबा होता है। इसीलिए आज मैं आपको बहुत ही सिंपल से स्टेप में घर पर ही घेवर बनाना सिखाऊंगी। आज हम दो तरीके से घेवर बना के रेडी करेंगे। मेरा जो पहला तरीका है उसमें मैं बगैर किसी सांचे की मदद से आपको घेवर बनाना सिखाऊंगी, और जो मेरा दूसरा तरीका है उसमें हम पहले घेवर के लिए एक सांचा बना के रेडी करेंगे और उसी सांचे की मदद से मैं आपको घेवर बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, घेवर की इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम घेवर के लिए रबड़ी बना के रेडी कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इंस्टेंट रबड़ी बनाना भी सिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है और अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच जो मिल्क है उसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इस मिल्क को हम अलग रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है, ये लगभग 60 ग्राम है। तो पहले हम इसको डाल देंगे और अच्छे से हम इसको पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम अपना गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने मिल्क पाउडर इसमें डाला था अब ये काफी अच्छे से दूध में घुल गया है। तो अब मैं अपना गैस का फ्लेम ऑन कर लेती हूँ और एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। तो देखिए, जो हमारा दूध है वो बॉयल होने लगा है। तो पहले हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे और जो हमने अलग से 1 चम्मच ये दूध निकाला था उसमें 1 बड़ा चम्मच ये कॉर्नफ्लोर है यानी कि अरारोट, इसको मैं बाउल वाले दूध में मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए, कॉर्नफ्लोर को मैंने दूध में मिक्स कर दिया है और अब हम इस मिक्सर को अपने दूध में डाल देंगे और इस स्टेज पे जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम अपनी रबड़ी को बस 5 मिनट में ही बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, दूध को बॉईल होते हुए लगभग 5 मिनट का समय हो गया है और अब आप देख ही रहे होंगे कि दूध काफी गाढ़ा हो गया है। और जब दूध बॉईल होता है तो साइड से ये जो मलाई होती है इसे भी आपको यहाँ से हटा के अपने दूध में ही मिक्स करते रहना होगा ताकि जो हमारी रबड़ी है वो काफी अच्छी बने। और इस स्टेज पे मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल देती हूँ। हम इसमें सिर्फ बहुत ही थोड़ी सी चीनी का ही यूज करेंगे क्योंकि इस रबड़ी को घेवर के लिए बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी चीनी का यूज करेंगे। अभी हमें अपने दूध को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए बहुत थोड़ा सा पकाना होगा ताकि हमारी रबड़ी एकदम रेडी हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए। तो देखिए, दूध को बॉईल होते हुए लगभग 2 मिनट और हो गया है और अब देखिए जो हमारी रबड़ी है वो बनके पूरी तरीके से रेडी हो गई है। ये देखिए, हम इसको और ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि जो हमारा दूध है वो ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी जो रबड़ी है वो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ये देखिए, आपकी रबड़ी बस 5 से 10 मिनट में ही बन के रेडी हो गई। और अगर आप प्लेन दूध की रबड़ी बनाते तो उसको बनने में लगभग आधे घंटे का समय लगता। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम अपनी घेवर के लिए चाशनी बना के रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और ये लगभग 220 ग्राम है। 1 कप चीनी के साथ हम इसमें 1 कप ही पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ मैं। हमें सिर्फ 1 तार वाली ही चाशनी बनानी है। देखिए दोस्तों, जो हमारी चाशनी है
वो एक ताक की बनके रेडी हो गई है। चाशनी को चेक करने के लिए पहले थोड़ी सी चाशनी हम ठंडी कर लेंगे, और ये देखिए इस तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए ये एक तार बना रही है, ये देखिए हल्का सा, इसका मतलब है कि हमारी जो चाशनी है वो एक तार की बनके रेडी हो गई है। और अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देती हूँ, इसको हम मिक्स कर देंगे जल्दी से। तो हमारी चाशनी बनके एकदम रेडी है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम अपने घेवर के लिए घोल बना के रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ली है, और ये लगभग 220 ग्राम है, और 1/2 कप मैंने यहाँ पे बिल्कुल ठंडा दूध लिया है, ये 100 ml है, और 1/2 कप मेल्टेड देसी घी लिया है, और ये लगभग 100 ग्राम है, और एक बड़े साइज का नींबू जिसका मैंने रस निकाल लिया है, और 6 से 7 पीस आइस क्यूब्स के। घेवर के लिए बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, और इसमें हम अपना देसी घी डाल देंगे, और उसके बाद हम आइस क्यूब्स डाल देते हैं। आइस क्यूब्स के साथ हमें अपने घी को तब तक फेंटना होगा जब तक कि वो सॉफ्ट और फ्लफी ना हो जाए। ये देखिए जो हमारा देसी घी है वो एकदम व्हिप्ड क्रीम की तरह एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम अपने आइस क्यूब्स निकाल देते हैं। आइस क्यूब्स निकालने के बाद भी हम 1 मिनट के लिए अपने घी को फिर से फेंट लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको 1 मिनट के लिए और फेंट लिया है, तो अब आप देख ही सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हो गया है। ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कि जब हम दूध से मलाई निकालते हैं और मलाई को फेंटते हैं तो वो बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाता है। तो इसको भी जब हम फेंटेंगे तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह ही दिखेगा, तब तक आपको इसको फेंटते रहना है। और ये देखिए अब हमारा जो घी है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें बहुत ही थोड़ी सी मैदा डालेंगे, हमें एक साथ मैदा नहीं डालनी है, और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आप सारी मैदा एक बार में डाल देंगे तो जो हमारा बैटर है उसमें लम्स पड़ जाएंगे और हमारा बैटर भी खराब हो सकता है। तो अब ये मिक्स हो गया है, तो फिर से थोड़ा सा मैदा और डालेंगे, फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें ठंडा दूध डाल लेती हूँ, पर दूध भी हमें सारा नहीं डालना है, थोड़ा डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। फिर से मैदा ले लेंगे, और इसी तरीके से सारा मैदा हम धीरे धीरे करके डाल लेंगे, और संग में हम दूध भी डालते जाएंगे। तो मैदा हमारी सारी खत्म हो गई है, और जो मैंने दूध लिया था वो भी खत्म हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पे 1 कप बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया है, तो अब हम पानी से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, सारा एक बार में नहीं डालेंगे, और उसके साथ ही नींबू का रस से फेंट लेते हैं। तो देखिए जो घेवर का बैटर है वो बनके एकदम रेडी हो गया है, और लगभग इसको बनाने में 15 मिनट का समय लगा है। अगर आप जितना ज्यादा अपने बैटर को फेंटेंगे तो जो घेवर है वो काफी जालीदार भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। तो बैटर को फेंटिएगा जरूर, और इतने बैटर को बनाने में मुझे 2 कप पानी का मैंने यूज किया है, और उसके साथ ही 1/2 कप दूध का भी यूज किया है मैंने। और बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, अगर बैटर में लम्स रहेंगे तो हो सकता है कि आपका जो घेवर है वो जालीदार ना बने और खराब भी हो सकता है। तो बैटर एकदम रेडी हो गया है, तो चलिए अब हम अपने घेवर को भी बना के रेडी कर लेते हैं। घेवर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरीके के भगोने का यूज कर रही हूँ, और ये जो भगोना है इसकी आप ऊंचाई देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है। बहुत ही कम ऊंचाई वाले भगोने का यूज बिल्कुल ना करिएगा, और इसकी जो तली है ये भी काफी हैवी है, यानी कि कम हैवी वाले यानी कि पतली तली वाले जो भगोने हैं उसका भी आप यूज बिल्कुल ना करिएगा। और इसकी आप गोलाई देख ही सकते हैं कि जितनी ऊपर गोलाई है उतनी ही इसकी नीचे गोलाई है, यानी कि
कैसी भी डिजाइन वाले भगोने का यूज बिल्कुल नहीं करिएगा। तो इस तरीके के भगोने में चलिए हम अपने घेवर को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए जो मैंने भगोना लिया है लगभग उसका 50% मैंने इसमें ऑयल फिल कर दिया है। तो जितना भी आपके भगोने की गहराई हो उसका 50% ही आप इसमें ऑयल को फिल करिएगा। और ये देखिए अब ऑयल काफी गर्म हो गया है, तो इस समय जो मेरा गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल फुल हाई है। तो मैं अब जो गैस का फ्लेम है वो हाई और मीडियम के बीच में कर दूंगी, यानी कि थोड़ा सा कम कर देंगे। और ये देखिए मैंने 1 कप बैटर एक बाउल में निकाल लिया है और बाकी जो मेरा बैटर बच गया है उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि जो हमारा बैटर है वो गर्म ना हो जाए। तो इसीलिए उसको ठंडा जरूर बने रहने देना चाहिए। तो इसीलिए बचे हुए बैटर को आप फ्रिज में रख दीजिए। बैटर को डालते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में सिर्फ आधा चम्मच ही बैटर डालें, चाय से ही डालें, बिल्कुल पास से नहीं डालना है वरना जालियां जो हैं वो कम पड़ेंगी। चाकू की सहायता से हम इसे थोड़ा सा छेद कर लेंगे और बैटर एकदम सेंटर पे ही डालना है। जब तेल पूरी तरीके से शांत हो जाए तभी हम दोबारा रिपीट करेंगे बैटर को। तो देखिए जो हमारा घेवर है वो पूरी तरीके से लाल हो गया है। तो इसको पहले हम बहुत ही सावधानी से निकाल लेंगे। और कुछ सेकंड के लिए आपको इसी तरीके से थोड़ा लटका लेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया बनके रेडी हुआ है। ये देखिए कितनी बढ़िया जाली बनी है इसमें। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से एक और घेवर बना के रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे तरीके में हम जो घेवर बनाएंगे वो होममेड सांचे की मदद से ही बनाएंगे। तो पहले हम सांचा बना के रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये आटा छानने वाली स्टील की छन्नी है जिससे हम आटा छानते हैं और जब वो टूट जाती है तो लगभग सभी लोग उसे फेंक देते हैं। तो उसी से आज हम घेवर के लिए सांचा बना के रेडी करेंगे। तो उसके बीच की जो ये जाली होती है बस इसको हमें निकालना होगा। तो देखिए घेवर के लिए एक बढ़िया सा सांचा बन के एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी मदद से भी घेवर बना के रेडी कर लेते हैं। सांचे की मदद से जब हम घेवर बनाएंगे तो उसके लिए जो हमारी कढ़ाई है उसकी तली एकदम फ्लैट होनी चाहिए ताकि जब हम उसमें अपना रिंग रखें तो ये बिल्कुल इससे अटैच हो जाए, ऊपर की तरफ ना रहे। और जो आपकी ये किनारी है अगर आप चाहें तो उसको ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो मैं लेकिन इसको ऊपर की तरफ ही रख लेती हूँ इस तरीके से।
और ये देखिए सांचा इसमें बिल्कुल अच्छे से नीचे तली पे बैठ गया है। तो देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और उसके बीच में मैंने अपना सांचा डाल दिया है और इसमें हमें लगभग इतना ऑयल लेना है कि जो हमारा सांचा है वो 50% तक ऑयल में डूबा रहे। तो अभी जो हमारा ऑयल है वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑयल जब एक बार गर्म हो जाए तो आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर दीजिए, यानी कि हल्का सा मीडियम कर दीजिए और बहुत ही थोड़ा सा बैटर लेते हुए बिल्कुल सेंटर पे आपको डालना है ऊंचाई से। और बीच में फोल्ड करते रहेंगे। देखिए अब जो घेवर है वो पूरी तरीके से मैंने इसमें बैटर डाल दिया है और इसमें थोड़ा ज्यादा बैटर पड़ा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें लगभग आप 10-15 बार तक आपको चमचा भर भर के डालना होगा और जब तक ये पूरी तरीके से सिक नहीं जाता है तब तक मैं इसको सेक लेती हूँ अच्छे से। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और ये देखिए अब मैंने बैटर डालना बंद कर दिया है तो ये अपने आप ही इसने साइड छोड़ दी है। और अभी आप जैसे व्हाइट व्हाइट देख सकते हैं तो इसको पूरे तरीके से पहले मैं सेक लेती हूँ तभी इसमें से निकालेंगे। और ये देखिए मैंने इसको निकाल के रिंग के ऊपर ही रख दिया है ताकि थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकल जाए। और ये वो स्टैंड है, इस पे मैंने पहले रखे थे और इसी पे भी हम इसको भी उठा के रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे दोनों तरीके से घेवर बन के एकदम रेडी है। और ये देखिए इसका साइज थोड़ा बड़ा है इसीलिए इसमें बैटर भी थोड़ा ज्यादा लगा है। और ये देखिए दो ये छोटे हैं घेवर, इसमें बैटर कम रह गया था इसलिए थोड़ा सा पतला हो गया है। बाकी टोटल 3 घेवर बनके रेडी हो गए हैं इतने बैटर में। और जब आप सांचे में इसको बनाएं तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर नहीं निकल रहा है तो आप सांचे को पहले हटा सकते हैं और फिर आप अपने घेवर को निकाल सकते हैं आसानी से। और इस तरीके से भी आप घेवर बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तीनों जो घेवर है उसको एक स्टैंड के ऊपर रख लिया है क्योंकि अब हम इसमें अपनी चाशनी डालेंगे। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसको फिर से गर्म कर लीजिए और अगर आपकी चाशनी जम गई है तो उसमें थोड़ा सा पानी, बहुत ही थोड़ा सा लगभग 1 बड़ा चम्मच ऐड करके और उसको फिर से गर्म कर लीजिए क्योंकि जब हम घेवर के ऊपर चाशनी डालेंगे तो वो लगभग 50% गर्म होनी चाहिए। पूरी तरीके से हमें ठंडी चाशनी इसमें नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी चाशनी लेते हुए हम इस तरीके से डालते रहेंगे। इस पे हमारा नीचे का घेवर थोड़ा बड़ा है तो उसको हम उसके ऊपर अलग से डाल देंगे। चाशनी आपने जितनी भी बनाई हो कम या ज्यादा पड़े पर आपकी जितनी भी चाशनी हो आप सारी चाशनी अपने घेवर पे डाल दीजिए क्योंकि हमने नीचे स्टैंड भी लगाया है। और चाशनी डालने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो सारी नीचे इकट्ठी हो जाएगी और हमारे जो घेवर हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और जूसी भी हो जाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो निकल गई है। तो अब मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने दोनों को अलग अलग प्लेट में निकाल लिया है और ये देखिए पास से आप देख ही सकते हैं कि ये कितना जूसी हो गया है। जो चाशनी हमने डाली थी वो पूरी अच्छी तरीके से इसके अंदर चली गई है ये देखिए। अब हमने जो रबी बनाई थी वो इसके ऊपर लगा देते हैं। तो रबी को मैंने पहले फ्रिज में रख दिया था तो इसको ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद मेरे पास ये चांदी का पर्क है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको लगा सकती हैं। वैसे इसको लगाने के बाद जो हमारा घेवर है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए चांदी का पर्क मैंने लगा दिया है और उसके बाद कुछ कटे हुए बादाम हैं उन्हें भी मैं इस पे डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा घेवर बन के एकदम रेडी है। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके बाय बाय, टेक केयर।